हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ बढ़िया, ऑल गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो यह है हमारा मिसेलनियस प्रॉब्लम सेट नंबर 6, मतलब जो हमारा लास्ट लेसन है मैथ्स पार्ट 1 10th महाराष्ट्र का। क्या है लेसन? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का यह है प्रॉब्लम सेट नंबर 6। ओके, तो प्रॉब्लम सेट मिसेलनियस मतलब इसमें जो भी अपना चैप्टर है उसके सब क्वेश्चन आएंगे, मतलब सब तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मोड का क्वेश्चन होगा, मीडियन का होगा, मीन का होगा, हिस्टोग्राम का होगा, पाई डायग्राम हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हमें अब सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन लेते हैं। सो माय नेम इज अतुल, और आप देख रहे हो, और आप हो कौन से चैनल पर? आपका प्यारा सा चैनल अतुल सर पर। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स गिवन। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%। पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप वाले जो भी बंदे हैं वो 40% है। द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप इज टू बी शोन बाय पाई डायग्राम। तो ये हमें क्लासिफिकेशन पाई डायग्राम से दिखाना है। तो व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ एंगल फॉर द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, मतलब यहाँ पर दिखाना है हमें, यहाँ पर अभी फाइंड आउट करना है कि वो जो भी ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनका पर्सन कितना है, 40%। तो वो उसमें एंगल कितना आएगा, पाई डायग्राम में एंगल कितना आएगा, सेंट्रल एंगल कितना आएगा? तो सिंपल है, ठीक है। अबाउट 100 कितना है वो, 40, तो अबाउट 360 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये लेट से मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट है, ठीक है। इसका आंसर देखो, अबाउट 100 कितना ये है, अबाउट 100 है 40, राइट। हमें निकालना है कितना, 360 के अकॉर्डिंग कितना है, तो इंटू 360 करना है। सो ये होगा 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। चलो, तो ये 20 20 यहाँ पर चले गए, 36 इंटू 4 कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो 36 इंटू 4 देखो कितना आएगा, 4 6 4 6 कितना होगा, 24, देन 4 3 12, ओके 12 प्लस 2 14। सो ये यहाँ पर आएगा 144। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, ये 2 0 यहाँ पर कैसे है, ये तो 40 है ना, रुको थोड़ा, यहाँ पर एक ही 0 होना चाहिए। तो ये 1440 आ रहा था, तो ये भी 0 यहाँ पर कैंसिल होना चाहिए, तो ये 144 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, सो विच वन इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वेर शोन बाय पाई डायग्राम। यहाँ पर भी एक पाई डायग्राम से जो भी कुछ एक्सपेंडिचर ही वो एक्सपेंडिचर है वो दिखाया गया है। तो एक्सपेंडिचर ₹45,000 ऑन सीमेंट वॉज शोन बाय अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 75 डिग्री। तो ₹45,000 जो भी है जो खर्चा हुआ है सीमेंट के ऊपर, तो वो दिखाया गया है यहाँ पर 75 डिग्री से। सो व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन, सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो सिंपल है, 360 के देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है ये, मैं सिंपल 2 लिखता हूँ। देखो 75 डिग्री मतलब है 45,000, तो 360 डिग्री मतलब कितना होगा, इतना सिंपल ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जब भी डिग्री निकालते हैं तो कैसे डिग्री निकालते हैं, ओके, मतलब ये जो भी 75 डिग्री होगा वो कैसे निकालते हैं हम, ये अमाउंट, ओके, ये जो भी स्कोर है वो, लेट से ये कितना है 45,000, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल जिसे हमें निकालना है, एक्स इंटू हम 360 करते हैं, ओके, राइट। ऐसे हम डिग्री निकालते थे, बट अभी यहाँ पर 75 डिग्री ऑलरेडी निकाल के दिया है, तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो एक्स कितना होगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 360, ये वाला, राइट, 45 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 360। चलो, तो अब इसे हम अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो 25 से कर सकते हो यहाँ पर, 25 3 जा, देन यहाँ पर 25 1 जा, रिमेन कितना हुआ, 25 1 जा, राइट, और 20 बचा, ये 25 8 जा, देन यहाँ पर हम करते हैं 3 1 जा 3 2 जा, ये 120। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 18,000 है इंटू 120। ठीक है, तो कितना होगा ये, सॉरी ये 18,000 नहीं, 10 कम होना चाहिए, 1,800 है ना, ये 0 भी चला जाएगा, 1,800 इंटू 120। चलो 12 से करो, 12 8 जा 96, राइट, देन 9, देन 12 1 जा प्लस 9 21, एंड हाउ मेनी 0 1 2 3 0, सो ये होगा 2,60,000। ठीक है, 2,16,000, तो ऑप्शन ए दिस वन, राइट। मुस्कुरा के क्या कहूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी होती है फ्रीक्वेंसी टेबल में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में, उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उससे हम मेडियन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, मेडियन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मेडियन, ठीक है। देन फोर्थ, द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई ओके इंटू एच इंटू जी इन द फॉर्मूला यू आई विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर यू आई क्या होगा, तो हमें पता है यू आई क्या होता है, यू आई स्टेप डेविएशन इज नथिंग बट द डी आई डिवाइडेड बाई जी, राइट, डिवाइडेड सॉरी डी आई डिवाइडेड बाई जी। बट यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, यू आई का फॉर्मूला यहाँ पर बनाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो डी आई हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन, राइट, डिवाइडेड बाई जी। चल तो ये यहाँ पर देखो डी आई बाई जी के टर्म में यहाँ पर नहीं दिया ऑप्शन, तो सिंपल है, डी आई क्या होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए, राइट, जो भी आपका क्लास मार्क माइनस अज्यूम फ्रिक्वेंसी, तो ये वाला सी वाला है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज वॉट करेक्ट यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर यहाँ पर दिया है, टेबल दिया है, नंबर ऑफ कार्स, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन अबाउट डेटा इज इन द ग्रुप, तो यहाँ पर मीडियन कौन से वाले ग्रुप में होगा, ओके मतलब सिंपल मीडियन क्लास कौन सा होगा। अब मीडियन क्लास हम कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए सिंपल पहले हमें क्या निकालना होगा, एन फिर एन बाई टू। तो यहाँ पर देखो पहले एन कितना है, ये कितना है, 12 प्लस 11 ओके 23 प्लस 7 30 प्लस 20 50 है, तो एन बाई टू कितना होगा, 25, राइट, राइट, तो 25, हाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 25 कहाँ पर आएगी, फर्स्ट की 11, सेकंड की कितनी आएगी, सी ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 23, थर्ड में, राइट, थर्ड की आएगी 23 से ज्यादा, तो यहाँ पर हमारा एन बाई टू जो भी है, ओके, तो मीडियन क्लास कौन सा होता है, जहाँ पर ये एन बाई टू की वैल्यू एक तो इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, ओके फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हो, तो यहाँ पर 25 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी या 25 ग्रुप नंबर 3 में आएगी। देखो यहाँ पर 11 आएगी सी ऑफ, यहाँ पर आएगी सी ऑफ 23, यहाँ पर आएगी 23 प्लस 20 43 आएगी, क्लियर। तो ये वाला हमारा क्या है, मीडियन क्लास है, सो कौन सा वाला क्लास है हमारा, मीडियन क्लास C1, राइट। अभी जाओ करो, ओ आंसर कौन सा है इसका, 16 ग्रुप, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, वो क्लास दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दी है, द अबाउट डेटा इज टू बी शोन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से दिखाया गया तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 4 to 6, 4 to 6 में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपल है, उसका क्लास मार्क एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, 7 to 9, राइट, 9 प्लस 7 कितना, 16 बाई 2 8, तो 8 ये एक्स का कोऑर्डिनेट होगा एंड वाई का कोऑर्डिनेट 6, सो 8 कॉमा 6, इसका 2, इसका कितना आएगा, रुको रुको रुको, हाँ यहाँ पर हमें पूछा गया किसका, 4 to 6 का, तो 4 to 6 का यहाँ पर क्लास मार्क कितना आएगा हमारा, 5 आएगा, राइट, 5 आएगा एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 8, सो क्योंकि ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं था इसी वजह से मैंने चेक किया, तो 4 to 6 का पूछा गया है ना यहाँ पर, तो 4 to 6 का देखो यहाँ पर क्लास मार्क आएगा 5, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 आएगा एंड उसकी फ्रीक्वेंसी वो वाई का कोऑर्डिनेट होगा, तो 5 कॉमा 8, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी दैट इज 5 कॉमा 8, ठीक है। चलो तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का। आज द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन ग्रेप सीजन, फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम, ओके तो हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सी भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है सो दैट टाइम बच जाए, तो हमें टेबल में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है, तो इसमें देखो क्या आएगा, क्लास आएगा, क्लास मार्क आएगा, राइट, एक्स आई, देन फ्रीक्वेंसी आएगी एफ आई एंड देन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क का मल्टीप्लिकेशन एफ आई एक्स आई। चलो तो क्लास क्या क्या है हमारा, इनकम का क्लास है 1000 रुपीज़ में, तो ये कौन कौन सा है, 20 to 30 है, 30 to 40, आप मेरे साथ लिख सकते हो, ये तो बाद में किया तो अभी चलेगा, 50 to 60 है, 60 to 70 एंड देन 70 to 80,
ठीक है चलो, नाउ क्लास मार्क हमें पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। ओके एक्स आएगा, मतलब अपर लिमिट 30 है प्लस 20, 50 डिवाइडेड बाई टू कितना आएगा आपका 25। सिमिलर वे यहाँ पर कितना आएगा आपका 35, यहाँ पर कितना आएगा 45। चलो 10 10 से तो आगे बढ़ेगा वो। ओके प्लस क्लास इंटरवल किया तो भी चलेगा आपको, यह आएगा 55। बट एक बार आप चेक भी कर लो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर लो, यहाँ पर देखो चेक करते 80 प्लस 70 150 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 70 राइट 150, 150 डिवाइडेड बाई टू, 150 डिवाइडेड बाई टू कितना आएगा आपका 75। ठीक है चलो, फ्रीक्वेंसी दी है 10 11 15 16 18 एंड 14। एफ आई एक्स आई कर लो, ये कितना आएगा 250, देन ये कितना आएगा 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 करो, 11 5 55 एंड प्लस 11 3 33 प्लस 5 38। ओके यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लो, 15 5 75। ओके देन 7 देन 15 4 प्लस 7 67, देन यहाँ पर 16 5 80, देन 16 5 80 प्लस 8 88, देन 18 5 90 राइट, 18 5 90 प्लस 18 6 18 6 कितना होता है देखो, 20 कितना आएगा देखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना है, फ्रीक्वेंसी टोटल फार्मर्स का क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके 10 प्लस 11 और 21 प्लस 15 कितना आएगा आपका 36। ओके प्लस 16 प्लस 18 प्लस 14 तो ये आ रहा है कितना 84 इज इक्वल टू समेशन, हाँ यहाँ पर समेशन एफ एक्स हमारा कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करो, 550 देन 155 प्लस ओके 10 1 ये आएगा 4410। ठीक है तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास है। मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे, डिवाइडेड बाय एन। एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 4410 डिवाइडेड बाय एन कितना है 84। ओके चलो तो इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके आप चेक कर लो, या पूरा 84 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 52.5, और ये क्या है 1000 है ना। ओके 1000 रुपीज़ में है, 52.5 1000 रुपीज़, इसका मतलब कितना होगा 52,500 रुपीज़। ठीक है चलो, ये आपको पूरा लिखना है, द मीन ऑफ द इनकम ऑफ दैट फार्मर और फार्मर्स, द मीन ऑफ इनकम ऑफ फार्मर इज 52,500। ठीक है चलो, विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द लोन सैंक्शन बाय बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द लोन। तो यहाँ पर हमें लोन का मीन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी मीन फाइंड आउट करना है, बट यही हम अज्यूम मीन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, कौन सा वाला, कौन सा वाला यूज करते हैं, ये वाला क्लास क्या क्या है, ये 42 50 का, देन 50 to 60 का, देन 60 to 70 का, देन 70 to 80 का, देन 80 to 90। क्लास मार्क देखो, 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाई टू, ये आएगा आपका 45 राइट। इसका क्लास मार्क देखो, इसका क्लास मार्क कितना आएगा 45, ये 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाई टू 55 आएगा इसका, सो 10 10 से बढ़ रहा है, ये आएगा 65 देन ये आएगा 75। सिंपल है, इसका इसके बीच का नंबर आता है ना, सो 40 एंड 50 के बीच में 45 है, लाइकवाइज तो ये यहाँ पर आएगा 85। चलो अब डीआई क्या होता है हमारा, डेविएशन। ठीक है डेविएशन के पहले हमें निकालना होता है अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन के लिए लगेगा हमें फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। चलो तो फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी देखो 13 20 24 36 एंड 7, तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वही वाला हम अज्यूम मीन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर अज्यूम मीन क्या होगा, ये जो भी 75 है इसे हम अज्यूम मीन कंसिडर करेंगे। ठीक है चलो, तो ये है हमारा अज्यूम्ड मीन वाला। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर डी आई फाइंड आउट करना है, डेविएशन एक्स आई माइनस ए, सो 75 सॉरी 45 माइनस 75, यहाँ पर कितना आएगा 45 माइनस 75 माइनस 30 आएगा, 55 माइनस 75 ये आएगा माइनस 20, 65 माइनस 75 ये आएगा माइनस 10,
देन ये आएगा 0 और इसका आएगा +10। ओके अब हमें समेशन, हाँ एन निकालना है यहाँ पर एन। चलो टोटल एन काउंट करो कितना, ये 33 +7 40 +20 40 +36 किया तो ये आएगा 76 +24 100। 100 है एन, कितना है हमारा 100। चलो एफ आई डी आई करते हैं, 33 जा 39, 13 3 जा 39, ये 10, ये माइनस होगा, ये होगा 400 -400, नेक्स्ट दिस वन -240, देन 0 एंड देन 10, 7 जा 70। चलो इसका कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर, देखो ये तीनों तो माइनस ही है तो इन तीनों का पहले हमें एडिशन करना होगा। कौन कौन सा, 390 राइट, प्लस ये 400, 790 होगा +240। ओके सो ये माइनस 1030 होगा, -1030 माइनस, उसमें वो +70 करेंगे ठीक है, तो वो 960 आएगा, बट ये -960। सो समेशन एफ आई डी आई क्या है हमारा, -960 ठीक है। चलो अब हमें निकालना है मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, अज्यूम्ड मीन प्लस डी बार। अब डी बार क्या होता है हमारा, डी बार होता है समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन राइट, अज्यूम्ड मीन प्लस। चलो समेशन एफ आई डी आई कितना है, -960 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारा 100, और अज्यूम मीन कितना था हमारा 75। चलो ये माइनस आएगा, 0 0 चला गया 1 पॉइंट, तो ये -9.6। सो 75 -9.6 करो क्या आएगा यहाँ पर, 75 -9.6 65.4 राइट, 65.4। ये भी क्या है, 1000 रुपीज़ में है, ये भी हमारा 1000 रुपीज़ में है, तो पूरा आंसर क्या आएगा हमारा, द मीन ऑफ द लोन इज 1000 रुपीज़ में, इसे लिखते हैं 64,400 रुपीज़। देयरफोर द मीन ऑफ द लोन इज 64,400 रुपीज़ ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस। यहाँ पर भी हमें मीन ही फाइंड आउट करना है, ज़्यादातर मीन के ही है। चलो ये सिंपल हम क्या करेंगे, ये भी अज्यूम मीन से ही फाइंड आउट करेंगे ठीक है, चलेगा। ये भी हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। चलो तो पहले हम क्लासेस लिखेंगे, क्लासेस है 0 to 2000, देन 2000 to 4000, देन 4000 to 6000, देन 6000 to 8000। ओके क्लास मार्क देखो, 0 to 2000, इसका क्लास मार्क आएगा 1000 राइट, 2000 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 6000 डिवाइडेड बाय 2 3000, इसका क्लास मार्क आएगा 5000, दो दो थाउजेंड लाइक 2000 से बढ़ रही है, इसका आएगा 7000। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन। अब एफ आई पहले लिखो, फिर हमें अज्यूम मीन निकालना होगा, मतलब मीन को अज्यूम करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, 15 35 50 देन 20। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी, ये वाली क्लास की 50 वाली ठीक है, तो ये वाला हमारा होगा अज्यूम्ड मीन, दिस वन इज योर अज्यूम मीन। चलो डी आई माइनस एक्स आई माइनस ए डी आई बराबर, तो 1000 माइनस 5000 ये होगा -4000, ये आएगा हमारा -2000 राइट, 3000 -5000 ये आएगा हमारा 0 और ये आएगा हमारा 2000। चलो एफ आई डी आई करो, 15 4 60 और कितने 1 2 3 0, ये कितना है 35 2 70, 3 0 -7000 ये आएगा 0 और ये 22 40 एंड देन 3 0 40000। चलो टोटल करो यहाँ पर, यहाँ पर ही करता हूँ टोटल, एन इज इक्वल टू एन देखो कितना है, 50 + 20 70 +35 70 +30 होगा 100 +5 105 +20 होगा 120 ठीक है। अब इसको देखो ये कितना होगा, 7 and 6 13, ये होगा 130000, 130000 राइट ओके, दोनों का होगा माइनस 1 2 3 4, 1 2 3 4 देन इसमें से 40000 माइनस करना है, सो 130 में से 40 गया, ये 90000 बचा, -90000 ठीक है। तो ये है हमारा समेशन एफ आई टी आर। चलो तो हमारे पास अब क्या करना है यहाँ पर, पहले हम डी बार निकाल के रखते हैं, डी बार क्या होता है यहाँ पर, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन। चलो समेशन एफ आई डी आई कितना है, -90000 डिवाइडेड बाय एन कितना है 120, सो 0 0 चला जाएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा हमारा
माइनस 9000 डिवाइडेड बाय 12। चलो 12 से डिवाइड करो 9000 को, कितना आएगा 9000 राइट डिवाइडेड बाय 12 आएगा 750 माइनस 750। ठीक चलो डी बार मिला यहाँ पर, तो हमारा मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए अज्यूमिंग प्लस डी बार। तो अज्यूमिंग हमारा कितना है 5000 माइनस, ये माइनस 750 है ना, तो माइनस मैंने सीधा लिखा यहाँ पर, 5000 में से 750 गए, कितना होगा हमारा आंसर, ये होगा 4250 राइट। यस दैट इज व्हाट मीन। तो यहाँ पर हमें आंसर कैसे लिखना होगा, देयरफॉर ये क्या है, वेज डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर मीन ऑफ वीकली वेजेस विल बी 4250 रुपीज। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर भी भैया मीन ही निकालना है, चलो अब ये डायरेक्ट मेथड से ही कर दे। ग्रुप देखो 50 to 60, देन 60 to 70, देन 70 to 80, देन यहाँ पर 80 to 90 और ये 90 to 100। फिर यहाँ पर क्लास मार्क देखो, यहाँ पर आएगा 55 राइट, यहाँ पर आएगा 65, ये आएगा 75, आएगा 85, ये आएगा 95। क्लास मार्क कैसे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। फ्रीक्वेंसी देखो ये 17 सॉरी 7, ये 13, ये 20, ये 6 और ये 4। अब फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क करना है हमें, चलो 55 × 7 करो, अच्छे से करो कैलकुलेशन, 55 × 7 ये आएगा 385। चलो 65 × कितना है 13, ये आएगा हमारा 845। ओके देन नेक्स्ट क्या है हमारा, 75 × 20, 75 × 2 = 150, तो ये आएगा 1500। ये 85 × 6 कितना आएगा 51, दैट जीरोस। ओके सो ये आएगा 510, देन 95 × 4 ये आएगा 380। ठीक है चलो, तो एन कितना है हमारा, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, काउंट करो 20 + 20 40 + 10 50। ओके ये वाला कैलकुलेशन करो, 5 5 10 0 1 5 8, 8 + 5 13 + 1 14 + 8 22, देन 2 10 13 + 10 23 + 3 26 एंड दैट 1, सो ये 3620 आएगा। ओके तो ये क्या है हमारा समेशन, फाइव एक्स आया 3620। चलो तो मीन निकालते हैं, अब मीन सिंपल है डायरेक्ट मेथड से, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 3620 डिवाइडेड बाय 50, जीरो से जीरो गया, ये बचेगा 362 डिवाइडेड बाय 5। चलो 362 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 से डिवाइड करो यहाँ पर, ओरली कर सकते हो आप, सिंपल है। ओके 5 7 सा 35, देन 1 2 5 2 सा 10, देन पॉइंट देन 2 5 4 सा, सो 72.4 ये 1000 में है, 1000 रुपीज़। ठीक है तो टोटल कितना आएगा, 72,400 रुपीज़। देयरफॉर या पूरा लिखो, देयरफॉर मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ एड इज कितना है, रुपीज़ 72,400। ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही यूज़ किया, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, अगर वहाँ पर स्पेसिफाई किया है तो आप वही स्पेसिफिक मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे शोन इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन। हाँ भैया आ गया ये, अब मीडियन, चलो मीन का तो हो गया, अब हमें मीडियन सॉल्व करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है डिस्टेंस का। चलो क्लास पहले लिखते हैं, यहाँ पर है 200 to 210, देन है हमारा 210 to 220, देन है 220 to 230, देन 230 to 240, देन 240 to 250। अब क्लास मार्क, क्लास मार्क देखो 200 और 210 ये 205 होगा राइट, इसका 215 आएगा, इसका आएगा 225। क्लास मार्क पता है ना सबको, नहीं पता है तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर लो, सिंपल है ये, इसके बीच का नंबर आता है।
फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 40, 60, 80, 50, 20। चलो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका तो 40 आएगा, इसका आएगा 100, इसका आएगा 180, इसका आएगा 180 प्लस 15 230 प्लस इसका आएगा 250। ठीक है चलो, तो एन तो कितना होगा, 250 होगा, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है देखो 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो सही है। चलो कुछ गड़बड़ी नहीं हमने की अभी तक लिखने में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। ठीक है तो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू, ओके एन बाई टू माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू एच। चलो अब ये सब हमें यहाँ पर लिखना है। देखो एल क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है हमें, एन बाई टू से। चलो तो एन बाई टू पहले निकालते हैं, एन बाई टू कितना है हमारा, 250 डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना आएगा आपका 125। ठीक, आप 250 डिवाइडेड बाई टू है 125 है, 125 से इक्वल या 125 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। ओके तो 125 से इक्वल या 125 से ज़्यादा नंबर हमें ये दिख रहा है 180, तो ये है हमारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, नहीं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये 180 वाला क्लास हमारा मॉडल क्लास है, सॉरी मॉडल नहीं, ये कौन सा वाला क्लास है, मीडियन क्लास है। ठीक है तो ये है हमारा मीडियन क्लास। ठीक है ओके, ये है मीडियन क्लास, देन ये है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ, और ये है मीडियन क्लास के पहले का क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्या क्या लगेगा हमें, एच क्लास इंटरवल, देखो क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है चलो, क्लास इंटरवल यहाँ पर देखो कितना आएगा, 200 एंड 210, ये डिफरेंस कितना आएगा 10, तो क्लास इंटरवल एच 10 है। चलो तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, एल कितना है हमारा 220 प्लस एन बाई टू कितना है यहाँ पर, एन बाई टू है 125 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 100 डिवाइडेड बाई एफ कितना है 80 इंटू एच, एच कितना है, एच 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 कितना है हमारा 10 कदम। ठीक है चलो तो सॉल्व करो फिर, ये 220 प्लस यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10, ये 0 0 गया, 25 डिवाइडेड बाय 8, 25 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा आपका, डिवाइड करो 8 से, प्लस 8 से डिवाइड करोगे तो ये 3.125 आएगा। चलो ऐड करो 22 प्लस 3.125, ये आपका आएगा 223.125, नियर अबाउट दैट आएगा। ठीक है सो यही आपका मीडियन है, तो देयरफॉर मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस इज कितना है, 223.125 किलोमीटर। ठीक है इसे राउंड अप करके 13 किया तो भी चलेगा, 223.13। ओके चलो, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो हम 6 शायद ऊपर होगा यहाँ पर। हाँ 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा, यहाँ पर भी मीडियन ही निकालना है। ठीक है तो क्लास मार्क की जरूरत नहीं होती तो हम अभी नहीं निकालेंगे। क्लास कितना है देखो, लेस देन 20 मतलब 0 to 20 होगा, यह होगा 20 to 40, देन यह होगा 40 to 60, यह होगा 60 to 80, और यह होगा हमारा 80 to 100। चलो फ्रीक्वेंसी देखो इसकी 140, दिस 100, इसकी है 80, इसकी है 60, और इसकी है 20। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी तो 140 ही रहेगी, इसकी होगी 240, 140 प्लस 100 240 प्लस 240 प्लस 80, 24 प्लस 8 कितना होगा 32, ये होगी 320, ये होगा 380, फिर होगा 400। चलो तो एन कितना है हमारा, टोटल 400 है, एक बार चेक करो इससे भी, फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी से भी चेक कर लो। ठीक है एन इज व्हाट 400। चलो अब हमें पहले एन बाई टू निकालना होगा, इससे मीडियन क्लास निकालेंगे, एन बाई टू कितना है, 400 डिवाइडेड बाई टू कितना होगा, 200 होगा। चलो 200 और 200 से ज़्यादा ये वाला क्लास दिख रहा है, 240 वाला, तो ये है हमारा मॉडल क्लास, मॉडल नहीं मीडियन क्लास, ये है हमारा मीडियन क्लास। ठीक है और ये हो गई मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये होगी मीडियन क्लास के प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है और क्या लगेगा हमें, लोअर क्लास लिमिट एल 20 है। चलो मीडियन का फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर, मीडियन इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। चलो एल कितना है हमारा, 20
प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 200, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 140 डिवाइडेड बाय एफ कितना है हमारा 100 इंटू एच, एच मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना 20 का है, चेक कर लो। क्लास इंटरवल मतलब पता है ना क्या होता है। ओके, जो भी ग्रुप है क्लासेस के उनका डिफरेंस देखो, देखो 20 to 40 का डिफरेंस कितना है 20, तो ये है आपका क्लास इंटरवल। प्लस ये कितना होगा 200 माइनस 140, 60 बचेगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 into 20, चलो 0 0 तो चले गए, 6 to 12, तो ये 20 + 12 आएगा, 20 + 12 आएगा 32। ठीक है, तो ये क्या है मीडियन ऑफ किसका, प्राइस का मीडियन है, तो देयरफॉर द मीडियन, मीडियन ऑफ प्राइस इज ₹32। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में हम मतलब आधा पार्ट इस क्लास में करते हैं, इसके दो पार्ट करते हैं मिसलनेस के, ताकि लेक्चर आपका मतलब इतना बड़ा ना हो जाए। तो द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द डिमांड फॉर स्वीट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स, फाइंड द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट। तो यहाँ पर हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल देखो, मोड का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब मॉडल क्लास के पहले का जो भी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय 2F1। ओके माइनस F0 देन माइनस F2 इंटू H। चलो अब ये L क्या है यहाँ पर देखो, L L के लिए पहले मॉडल क्लास, मॉडल क्लास किस कौन सा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जिसकी यहाँ पर कौन सा वाला क्लास है 250 to 500 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 दिख रही है। ओके तो L है उसका 250, उस क्लास का लोअर क्लास लिमिट है 250। देन आपका ये F1, F1 कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 60, देन F0, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 10, देन F2, F2 कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास 25, मॉडल क्लास के आगे का क्लास 500 to 750 है उसकी फ्रीक्वेंसी 25। फिर H, H कितना है हमारा क्लास इंटरवल 250 to 500, 250 है सीधा। ओके चलो तो वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पर, L कितना है हमारा 250 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में F1 कितना है 60 माइनस ये 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 60 to 120 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 250, तो ये 250 प्लस ये कितना गया 50 डिवाइडेड बाय ये 120 में से 10 गया, 110 में से 20 का 90 में से 85 इंटू ये 250। चलो तो यहाँ पर 0 0 तो पहले चला जाएगा, 250 प्लस 25 सीधा किया, वैसे किया तो भी चलेगा, वो कितना आएगा 125 एंड दैट 2 0 डिवाइडेड बाय 85, इसे 85 से डिवाइड कर सकते हो या सीधा रिविजन भी कर सकते हो 85 से, तो ये बनेगा 250 प्लस 85 से डिवाइड किया तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 147.06। ठीक है तो आपका फाइनल आंसर आएगा 397.06। ठीक है ओके, सो ये है आपका मोड, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आप लिखोगे द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट, द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट इट्स कितना होगा वो 397.06 ग्राम्स, वो ग्राम में है ना। ठीक है चलो, तो अब हम थोड़ा सा रुकते हैं, फिर मतलब यहाँ पर ही रुकते हैं, और आगे का जो भी 8 to 16 और 17 जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी ग्राफिकल वहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, कीप लर्निंग।